हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू ऑल। माई सेल्फ विशाल जोगीदास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साफ एनकोडर और समटाइम्स इट इज़ नोन एज रोटरी एनकोडर। एंड दिस टॉपिक इज कवर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रोटरी एनकोडर? एन एनकोडर इज सेंसिंग डिवाइस that provides feedback from the physical world। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ से ये सेंस करके फीडबैक देगा। इट कन्वर्ट्स मोशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए, रोटरी एनकोडर हमें यहाँ बात कर रहे हैं। रोटरी एनकोडर, रोटरी यानी कि ये रोटेशनल, एंड एनकोडर यानी कि एनकोड करेगा। तो क्या है, इट कन्वर्ट्स मोशन टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो कोई भी मोशन है यानी कि रोटेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, विच कैन बी रीड बाय सम टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको हम रीड कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रोल डिवाइस से। दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द कंडीशनल इवेंट। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसे इवेंट होती है कि जिसको हमें कंटिन्यूसली कंट्रोल करना होता है, तो इस टाइप के इवेंट के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मैनी एनकोडर टेक्नोलॉजीज आर यूटिलाइज्ड टू क्रिएट द सिग्नल, सच एज मैकेनिकल, मैग्नेटिक, रेजिस्टिव एंड ऑप्टिकल। देखिए, एनकोडर में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिग्नल क्रिएट करने के लिए। किस किस टाइप का टेक्नोलॉजी होती है, तो मैकेनिकल भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टिव एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर हम यूज़ कर सकते हैं। करंटली द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड बाय एनकोडर इज ऑप्टिकल। देखिए, अभी जो करंटली यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी वो क्या है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं, लेंस एंड लाइट का यूज़ करते हैं। एनकोडर्स में प्रोड्यूस आइदर इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट सिग्नल्स। देखिए, दो टाइप का सिग्नल एनकोडर प्रोड्यूस कर सकता है। इंक्रीमेंटल यानी कि फॉर एग्जांपल कोई काउंटर है तो वो कंटिन्यूसली काउंट करता जाएगा, तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, इस टाइप को हम इंक्रीमेंटल बोलते हैं। और एब्सोल्यूट सिग्नल यानी कि जो है वैसा ही सिग्नल एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देगा। तो ये दो टाइप का एनकोडर होता है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल में। रोटरी एनकोडर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट द एंगुलर पोजिशन ऑफ ए शाफ्ट और एक्सल टू डिजिटल कोड, कॉमनली यूज्ड इन रोबोटिक्स, रोटेटिंग रडार प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा। देखिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्यों कहता है इसे, क्योंकि जो शाफ्ट रोटेट होती है वो मैकेनिकल होता है, वो मैकेनिकल सिस्टम होती है, लेकिन जो हम लोग सेंस करेंगे और फीडबैक देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो एंगुलर पोजिशन यानी कि देखिए, सीधी लिटी में होगा तो हमें इसे बोलते हैं लीनियर, लेकिन अगर रोटेशनल पोजीशन है तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। तो शाफ्ट में एंगुलर पोजीशन होती है 360 डिग्री में, तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल कोड में। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, रोबोटिक्स में या फिर रोटेटिंग रडार प्लेटफॉर्म्स। आप लोगों ने देखा होगा कि रडार जो होता है उसके ऊपर कुछ रोटेट होता रहता है, तो ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये टाइपिकल एप्लीकेशन हो गई, इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन और भी कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक फिगर आप देख सकते हैं, ये जो डॉट वाला एक सर्कल है ये क्या है, ये रोटेशनल डिवाइस है। यानी कि देखिए, यहाँ पे एक एरो दिया गया है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा।
बीच में जो ये है ये शाफ्ट है, बीच में ये जो देख सकते हैं ये शाफ्ट है, ठीक है। और ये जो डॉट देख रहे हैं वो क्या है, वो स्मॉल होल्स है, उस डिस्क में होल लगाए गए हैं। और यहाँ पे एक एलईडी देख सकते हैं, एलईडी का काम क्या रहेगा कि एलईडी जब ऑन होगी तो उसके लाइट जो है वो इस जो डॉट डॉट वाले हम देख सकते हैं ब्लैक डॉट्स, एक्चुअली डॉट नहीं है बट होल्स है, तो वहाँ से ये लाइट पास होगी। और यहाँ पे देखिए एक सेंसर देख सकते हैं, लाइट सेंसर और फोटो ट्रांजिस्टर, तो वहाँ तक अगर ये लाइट पहुँच जाती है यानी कि ये पोजिशन सेंस कर लेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका आउटपुट डिजिटल में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, डिजिटल आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का स्क्वायर वेव दिखा रहा है। तो ये स्क्वायर वेव कैसे आएगा, जैसे ही ये होल वहाँ से पास होगा सेंसर से, ऐसे एक ऐसा सिग्नल जनरेट हो जाएगा, दूसरा होल होगा तो वैसे दूसरा ऐसा सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो ये इसको हम काउंट करके इसकी पोजिशन हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम हो गई, क्योंकि ये शाफ्ट जो है वो मैकेनिकल है और जो दूसरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ए रोटरी एनकोडर यूजेज ए स्लॉटेड व्हील विथ ए सिंगल एलईडी और फोटो डिटेक्टर पेयर टू जनरेट पल्सिस एज द व्हील टर्न्स। तो जैसे हमने देखा कि ये जैसे जैसे व्हील टर्न होता जाएगा वैसे वैसे ये हम लोग हमको आउटपुट में पल्स मिलेगा, यानी कि जो शाफ्ट एनकोडर या फिर रोटरी एनकोडर है उसकी एंगुलर पोजीशन के हिसाब से ये हमें पल्स मिलेगा आउटपुट में। तो इस तरह से हम लोग ये मेज़र कर सकते हैं। ये हमने बोला था दो टाइप के होता है, टाइप्स ऑफ रोटरी एनकोडर, इंक्रीमेंटल टाइप एंड एब्सोल्यूट टाइप। वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंक्रीमेंटल टाइप। देखिए इंक्रीमेंटल सिग्नल्स प्रोवाइड ए सीरीज ऑफ हाई एंड लो वेव्स विच इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन पोजिशन टू द नेक्स्ट। देखिए सिग्नल जो आउटपुट में होता है वो क्या होता है, हाई एंड लो वेव्स में चेंज होता रहता है। तो ये क्या दिखाता है, तो ये कुछ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर मूवमेंट होती है तो उसको ये दिखाता है। देर इज़ नो स्पेशल इंडिकेशन प्रोवाइडेड बाय द एनकोडर टू शो द स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये स्पेसिफिक पोजीशन दिखाने के लिए कोई स्पेशल इंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन एन इंडिकेशन दैट इज दैट द पोजीशन हैज चेंज्ड। એટલે ये जो इंडिकेशन देगा वो क्या देगा कि पोजीशन चेंज हुई है, ये हमें इंडिकेट करके देगा, लेकिन कहाँ एग्जैक्ट पोजीशन है वो नहीं दिखाएगा, लेकिन पोजीशन चेंज हुई वो दिखाएगा। दे आर डिवाइसेस सच एज डिवाइसेस दैट प्रोवाइड ए सीरीज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सिस ड्यू टू मैकेनिकल मोशन ऑफ शाफ्ट रिवोल्यूशन। देखिए हमने इससे पहले देखा देखा कि जो कैसे हम लोग ये रोटेशन जो होता है शाफ्ट का उसको हम डिजिटल पल्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द पल्सिस। देखिए ये जो आउटपुट में हमें पल्स मिलता है उसको हमें काउंट करना होता है, काउंटिंग द पल्सिस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मिनट में कितना काउंट होता है उसके हिसाब से हम लोग इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट एंगल और द डिस्टेंस कवर्ड पल्सिस आर काउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। देखिए कुछ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर से हम लोग ये पल्सिस स्टार्ट कर सकते हैं और एंगल एंड डिस्टेंस कवर्ड ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्रीमेंटल टाइप जो इनकोडर है ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पे पूरा सेटअप हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमने देखा यही डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क हम देख सकते हैं, एक साइड एलईडी है और इसका जो लाइट जो है ये वहाँ से
फोटो सेंसर तक जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग कर इसका पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए टॉप पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, यानी कि ये जो LED और सेंसर है उसको कंट्रोल करने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं फोटो डिटेक्टर असेंबली, यानी कि ये सेंसर जो है वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा लाइट को, तो इसे बोलते हैं फोटो डिटेक्टर, तो उसकी असेंबली है। और ये बीच में जो है वो कोड डिस्क, जो ये डिस्क है यहाँ पे ये बीच में दिखाई गई है। और इसके नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट सोर्स, ठीक है, ये LED भी हो सकती है और कोई लाइट सोर्स भी हो सकता है, लेजर भी हो सकता है, तो कोई भी लाइट सोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं हाउसिंग असेंबली, यानी कि ये सब चीज़ को प्लेस करने के लिए क्या होता है, हाउसिंग असेंबली होती है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर का, तो इस तरह से होता है। हाउ इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर वर्क्स, कैसे वर्क करता है, देखिए हमने मोटा मोटा तो देख लिया है, फिर भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो LED एमिट्स लाइट बीम विच पासिस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट डिस्क पैटर्न विथ ओपेक लाइंस, ठीक है। ओपेक लाइंस क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाई गई है, ये ओपेक लाइंस है, ठीक है। ओपेक लाइंस यानी कि ये गैप होता है और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही होता है, तो इस तरह से हम लोग ये इसको एनकोड कर सकते हैं। तो जो LED ऑन होगी उसका जो लाइट बीम होगा वो वहाँ से ट्रांसपेरेंट डिस्क पैटर्न जो है वहाँ से पास होगा। उसके बाद क्या होगा, व्हेन द फोटो सेंसर रिसीव्स द लाइट बीम, यानी कि दूसरी ओर हमने क्या रखा था, फोटो सेंसर, वो सेंस करेगा लाइट बीम को, तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस ए साइनोसोइडल वेव फॉर्म विच इज ट्रांसमिटेड इनटू ए स्क्वायर वेव और पल्स ट्रेन, ठीक है। सेंसर जनरली क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, साइनोसोइडल वेव फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। एंड इस साइनोसोइडल को हम लोग स्क्वायर वेव और पल्स ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दिस पल्स सिग्नल इज देन सेंट टू द काउंटर और कंट्रोलर विच विल देन सेंड द सिग्नल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फंक्शन, देखिए जो हमें पल्स मिला उसे हम काउंटर में अगर देंगे तो ये काउंट करेगा, और हमें दूसरे काम में लेना है, दूसरा कंट्रोल कर कुछ कंट्रोल करने के लिए, तो हमें कंट्रोलर में देना होगा, ये क्या करेगा, तो वो जो सिग्नल है उसका डिजायर्ड फंक्शन में प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो भी कंट्रोल हमें करना है उसे वहाँ पे ये उसका डिजायर्ड जो सिग्नल होगा उसमें कन्वर्ट करेगा। अगर काउंट करना है तो डायरेक्टली हमें काउंटर में देना होगा, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब देखिए एब्सोल्यूट रोटरी एनकोडर और एब्सोल्यूट शाफ्ट एनकोडर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट एनकोडर्स आर यूनिक वर्ड फॉर ईच पोजिशन, मीनिंग दैट एन एब्सोल्यूट एनकोडर प्रोवाइड्स बोथ द इंडिकेशन दैट द पोजिशन इज चेंज्ड एंड एन इंडिकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पोजिशन ऑफ द एनकोडर। देखिए पहला जो था इंक्रीमेंटल एनकोडर, वहाँ पे हम लोग क्या देख सकते थे, एब्सोल्यूट पोजिशन वहाँ पे हमें नहीं मिलती थी, सिर्फ इंडिकेशन मिलता था, यानी कि पोजिशन चेंज हुई ऐसा हम लोग सिर्फ डिसाइड कर सकते थे इंक्रीमेंटल एनकोडर में। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होगा, हमें एब्सोल्यूट पोजिशन भी मिलेगी, तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रिसाइज मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिक आउटपुट फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट रोटेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, आउटपुट जो होगा वो यूनिक फॉर्म में होगा, सिर्फ इंडिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट हमें बाइनरी में भी मिल सकता है, BCD में भी मिल सकता है, ग्रे कोड में भी मिल सकता है, तो जैसे हम लोग इसको यूनिक वर्ड प्रोवाइड किया होगा उस तरह से हमें आउटपुट में कुछ यूनिक फॉर्म में मिलेगा। यूजेस ग्रे कोड टू रिप्रेजेंट ईच पोजिशन, तो ग्रे कोड का यूज़ करता है
ईच पोजिशन यानी कि जो भी पोजिशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रे कोड का यूज़ किया जाता है। देखिए ये सब कोड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग पूरा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और उसका प्रोग्रामिंग वो सब BCD और ये सब कोड के ऊपर होता है। तो ये बहुत ही बेसिक कोड्स है, इसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एब्सोल्यूट रोटरी एनकोडर। एडवांटेजेस और इंक्रीमेंटल एनकोडर, क्या एडवांटेजेस रहेगा? तो हमने पहले भी बोला कि पोजीशन इज मेंटेन्ड आफ्टर ए पावर डाउन। देखिए कई बार क्या होता है, सिस्टम ऑन होती है तो पावर डाउन हो जाता है, तो जो पोजीशन होती है वो मेंटेन रखता है। द एब्सोल्यूट पोजीशन इज रिकवर्ड अपॉन पावर अप विदाउट रिक्वायरिंग ए होम साइकिल और एनी शाफ्ट रोटेशन। और जब भी पावर रिस्टोर होगा तो जो पोजीशन होगी वो रिकवर्ड होगी, यानी कि वहाँ से ही शुरू होगा, तो इसको हम लोग ये एडवांटेज बोल सकते हैं। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रोटरी एनकोडर जो है वो वर्क करेगा। देखिए इसका एप्लीकेशन है बाइनरी कोडिंग, कैसे हम लोग बाइनरी कोडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्कल आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे ये सर्कल के अंदर कुछ ब्लैक और वाइट गैप्स है, वो क्या दिखाते हैं? तो वो उसको सेक्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये 8 सेक्टर बोलते हैं, और उसके अंदर ये 1, 2, 3 दिया गया है, पहले स्मॉल सर्कल है उसके बाद उससे ज़्यादा, तो वो क्या है? कॉन्टेक्ट 1, कॉन्टेक्ट 2 और कॉन्टेक्ट 3, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ब्लैक सेक्टर्स क्या दिखाता है? ऑन पोजीशन दिखाता है, ठीक है। तो वर्किंग वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग ने पहले देखा था कि एक साइड से लाइट सोर्स देंगे, दूसरी साइड से ये होगा। अब ये कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं कि सेक्टर वन जो है, ये सेक्टर वन है, उसमें क्या होगा? कॉन्टेक्ट, तीनों कॉन्टेक्ट अगर ऑफ है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ऑफ है, तो एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी कि हमें आउटपुट में ऐसा मिलता है कि तीनों कॉन्टेक्ट 1, 2, 3 ऑफ है, यानी कि हमारा एंगल लेस देन 45 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ऐसा हुआ कि कॉन्टेक्ट 1 एंड कॉन्टेक्ट 2 ऑफ है एंड कॉन्टेक्ट 3 ऑन है, यानी कि ये देखिए दूसरा सेक्टर है, इसकी बात कर रहे हैं, 1 एंड 2 ऑफ है और ये ब्लैक वाला है जो 3 वाला, ये ऑन रहेगा, तो कौन सी पोजीशन रहेगी? तो एंगल रहेगा 45 डिग्री से 90 डिग्री तक का एंगल रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल मेज़र कर सकते हैं। देखिए दूसरा भी आप लोग यह देख सकते हैं, इस सर्कल के अंदर ये सब लोग पोजीशन, ये सब पोजीशन भी हम लोग इसमें से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बाइनरी कोडिंग होता है एब्सोल्यूट एनकोडर की मदद से, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखा हमने, जो भी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉम सेक्टर 4 टू सेक्टर 5 इट शोज दैट कॉन्टेक्ट 2 एंड कॉन्टेक्ट 3 चेंजेस फ्रॉम ऑन एंड ऑन टू ऑफ। यानी कि जो सेक्टर हमने देखा था डिफरेंट, यहाँ 4 एंड 5 के बीच क्या होता है? कॉन्टेक्ट 2 एंड 3 ऑन ऑफ होता रहता है। हाउएवर इन प्रैक्टिकल डिवाइस द कॉन्टेक्ट्स आर नेवर परफेक्टली अलाइन। देखिए प्रैक्टिकल डिवाइस में ये परफेक्टली अलाइनमेंट नहीं होता है इसका। दे विल नॉट रीच एट द सेम टाइम बट एट डिफरेंट टाइम, इट मीन्स ओनली 1 बीट चेंजेस एट ए टाइम। यानी कि कोई एक टाइम पे एक बीट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने जो भी देखा यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, इफ कॉन्टेक्ट 1 स्विचेस फर्स्ट फॉलोड बाय कॉन्टेक्ट 3 एंड देन कॉन्टेक्ट 2 फॉर एग्जाम्पल, द एक्चुअल सिक्वेंस ऑफ कोड विल बी। देखिए यहाँ पे जो टेबल में दिया गया था वही सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। टेबल में से हम लोग इजीली ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ग्रे कोडिंग के लिए। तो जैसे ही हमने बाइनरी कोडिंग किया वैसे ही हम लोग ग्रे कोड कर सकते हैं, 3-bit बाइनरी रिफ्लेक्टेड ग्रे कोड, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका डिज़ाइन किया होता है सर्कल का,
ओके, तो जैसे उसमें पैटर्न था बाइनरी में, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते। तो देखिए फंक्शन और ऑपरेशन दोनों सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये सेक्टर और ये ऑन ऑफ का जो कॉम्बिनेशन है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ग्रे कोडिंग का, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल है बाय बीसीडी कोडिंग, बीसीडी कोडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल नंबर्स और इंटेजर्स वेयर ईच डिजिट इज सिग्निफाइड बाय 4 बिट्स। तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल है और इसका इक्विवेलेंट बीसीडी है, तो इस तरह से हम लोग ये कोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये बीसीडी कोडिंग, तो ये भी हम लोग ये इजीली इसका यूज़ करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन कुछ दिया गया है कि कैसे किस किस टाइप के ये आते हैं। ये एब्सोल्यूट टाइप में कॉम्पैक्ट लो कॉस्ट मॉडल हो गया, ये दूसरा हो गया जनरल पर्पस मॉडल, ये है होलो साफ्ट मॉडल, ये है मल्टी टर्न मॉडल, ये स्पेस सेविंग मॉडल। तो ये कुछ मॉडल्स होते हैं, ये डिफरेंट मॉडल्स इस पर और रिक्वायरमेंट हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं रोटरी एनकोडर का। तो ये हो गया कुछ क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स बोल दीजिए। थैंक यू। मित्रों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साफ्ट एनकोडर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो देखिए यहाँ पे सेंसर रखा गया है और इसमें से यहाँ पे कुछ रेड कलर का हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है, तो ये यहाँ पे ये दोनों सेंसर है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग क्या होता है कि वो विदाउट टचिंग द डिवाइस ये सेंस करता है, यानी कि हम लोग देख सकते कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है ये डिस्क और ये सेंसर के बीच में, लेकिन फिर भी ये सेंस करता है। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये नंबर चेंज होते रहते हैं, तो वो कैसे चेंज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्क जो है इसमें हमें छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं, वो गैप जैसे भी ये गैप यहाँ से पास होगा तो ये काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये साफ्ट एनकोडर का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एनकोडर है और साफ्ट के ऊपर ये रोटेट करता है, इसलिए हमें इसे साफ्ट एनकोडर भी बोल सकते हैं। तो इसमें से इजीली हम लोग जो है वो इसका प्रिंसिपल जो है वो समझ सकते हैं।